अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को एक होस्टिंग या एक डोमेन से किसी दूसरी होस्टिंग या किसी दूसरी डोमेन के ऊपर किस तरह से माइग्रेट कर सकते हैं। नॉर्मली आप लोग यूज़ करते होंगे आलिमनेट, डब्ल्यू बी माइग्रेशन या इस तरह के और प्लगइन्स, जिनके अंदर आपको काफ़ी सारी फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती हैं, डेटाबेस डाउनलोड करने पड़ते हैं, सम टाइम आपको मैनुअली अपलोड करने पड़ते हैं सी पैनल के अंदर जाकर, और सम टाइम आप ऑल इन वन माइग्रेशन यूज़ कर रहे होंगे तो आपका जो प्लगइन है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के दौरान स्टक हो जाता होगा और पूरी फाइल अपलोड नहीं होती होगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारे सोल्यूशन दूंगा आपको, ऑल इन वन सोल्यूशन दूंगा। आज के बाद आपको माइग्रेशन के रिलेवेंट कोई भी तरह का इशू नहीं रहेगा। आप विद इन फ्यू मिनट्स अपनी वेबसाइट को एक होस्टिंग या एक डोमेन से किसी दूसरी होस्टिंग या दूसरी डोमेन के ऊपर इजीली विदाउट डाउनलोडिंग अ सिंगल फाइल ऑनलाइन ट्रांसफर कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से करनी है, चलें लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जी तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमारे पास दो वेबसाइट है। पहली वेबसाइट ये है हमारे पास जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये देखें, ये बिल्कुल एम्प्टी वेबसाइट है, ये इसका यूआरएल है। और दूसरी वेबसाइट जो है हमारे पास वो है ये, तो ये देखें, ये डिज़ाइन वेबसाइट है टोटली और इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो अब हमें क्या करना है, इस वाली वेबसाइट को माइग्रेट करना है इस वाली वेबसाइट पे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, दोनों वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर जाना है। सबसे पहले मैं पहली वेबसाइट के डैशबोर्ड में आऊँगा, प्लगइन्स के अंदर आऊँगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा माइग्रेट गुरु। तो ये प्लगइन मुझे यहाँ पे, ये वाला प्लगइन है हमारे पास बाय माइग्रेट गुरु, इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल एक्टिवेट कर लूँगा। अभी सेम ही काम मैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर भी करूँगा जहाँ से हमने माइग्रेट करनी है दूसरी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा और यहाँ पे सेम इसी तरह से ऐड न्यू करके इंस्टॉल कर लूँगा माइग्रेट गुरु। अब यहाँ पे देखें ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे मैंने ये इंस्टॉल किया और यहाँ पे देखें ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो गया। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ से हमने ट्रांसफ़र करनी है, जो हमने वेबसाइट ट्रांसफ़र करनी है उस वाली वेबसाइट पर आना है। यहाँ पे माइग्रेट गुरु पे क्लिक करना है और इसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ईमेल देनी है अपनी, कोई भी ईमेल आप दे सकते हैं। मैं अपनी ईमेल दे देता हूँ आई एग्री और माइग्रेट साइट, इस पर सिंपल आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वो वाली वेबसाइट है जो डिज़ाइन थी ऑलरेडी, जिसको मैं ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ईमेल दी, आई एग्री पे क्लिक किया और माइग्रेट पे क्लिक कर दूंगा सिंपल। तो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा और यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोवाइडर्स जो हैं वो शो हो चुके हैं। आप लोगों को इनमें से किसी भी प्रोवाइडर को चूज़ नहीं करना, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, वरना काफ़ी सारे इश्यूज़ हो जाएंगे। तो सिंपल आपने क्लिक करना है अदर होस्ट के ऊपर। अदर होस्ट पर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर जिसके ऊपर आप माइग्रेट करना चाह रहे हैं। तो सिंपल उसके अंदर यहाँ पर आपको नज़र आएगा माइग्रेशन की, सिंपल इस पर क्लिक करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपल इतना सा काम करना है और सिंपल क्लिक कर देना आप लोगों ने माइग्रेट के ऊपर। तो इतना सा काम था और आपकी ये पूरी वेबसाइट यहाँ से माइग्रेट हो जाएगी, आपकी जो वो एम्प्टी वेबसाइट थी कम्प्लीटली माइग्रेट हो जाएगी। सारी चीज़ें एज इट इज़, डिज़ाइन, थीम, प्लगइन्स विद योर लेटेस्ट यूआरएल, जो आपके वो वेबसाइट के यूआरएल हैं वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। मतलब किसी तरह का कोई खून खराबा नहीं, सिंपल और सिंपल आपने ऑनलाइन आपकी वेबसाइट एक जगह से दूसरी जगह विद इन फ्यू मिनट्स ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे ये देखें ये माइग्रेटिंग लिखा आ रहा है, माइग्रेटिंग दिस वेबसाइट टू दिस वेबसाइट, राइट। तो ये जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लेगा, मैक्सिमम 5 मिनट लेगा। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और जैसे ये कंप्लीट होती है फिर हम वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर कम्प्लीटली माइग्रेट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा सोर्स था जहाँ से हम अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करना चाह रहे थे और ये हमारी नई डोमेन थी। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये देखें बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह से हमारी जो वेबसाइट है वो डिज़ाइन हो चुकी होगी और अब इसके अंदर जो भी कस्टमाइजेशन है वो हम कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता किस तरह से कस्टमाइजेशन ये सारी चीज़ें करनी है, वर्डप्रेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज आपको चाहिए, तो कंप्लीट एक कोर्स डिज़ाइन मैंने अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट कंप्लीट अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे की प्लेलिस्ट है और उसके अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर सारी चीज़ें मैंने कवर की है, वो आप लोग जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखें हमारी वेबसाइट कम्प्लीटली जो है उसी तरह से हो गई है और हमारे URLs देखें उसी तरह से हमारे सेटअप हो चुके हैं कंप्लीट। इवन यहाँ पे जो कंटेंट लिखा हुआ था उसके अंदर जो URLs थे उनके अंदर भी हमारा जो न्यू URL है वो
क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। यहाँ पे देखें जो जो भी कंटेंट था उस सब के अंदर हमारा न्यू जो यूआरएल है वो रिप्लेस हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से आप लोगों ने अपनी वेबसाइट एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अब जो इसको अगर मैं रीलोड करूँगा तो ये लॉग आउट हो चुकी होगी। अब इसका जो पासवर्ड है, ये देखें यहाँ पे लॉग आउट हो चुकी होगी। अब इसका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको वो देना है जहाँ से आपने माइग्रेट की थी, मतलब अपनी ओल्ड वेबसाइट का पासवर्ड देना है। तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ओल्ड वेबसाइट का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है वो लॉगिन हो चुकी है और सारे प्लगइन्स उसी तरह से यहाँ पे भी सेटअप हैं जैसा कि यहाँ पे सेटअप थे। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारी वेबसाइट थी जहाँ से हमने ट्रांसफ़र की थी। और इसको अगर मैं यहाँ पे इसका आपको डैशबोर्ड दिखाऊं तो वो सेम एज इट इज़ उसी तरह से है। जैसे यहाँ पे देखें सारे प्लगइन्स और सारी सेटिंग्स, और यहाँ पे हमारे पास ये देखें सारे प्लगइन्स और सारे सेटिंग्स उसी तरह से है। ये वाली डोमेन है, ये वाली डोमेन है। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। और आपकी जो भी हेल्प करनी हुई वो मैं ज़रूर करूँगा, जिस तरह के भी आपके क्वेश्चन होंगे सबका रिस्पॉन्स करूँगा। मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।